ऑलमोस्ट जो एवरेज वॉल्यूम होते हैं उससे 3 times 4 times वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं। काफी स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में नियर फ्यूचर, जिस तरीके से अपना स्टॉक ने रीगेन कर लिया रिकॉर्ड हाई को भी, तो नियर टर्म में 250 तक के लेवल्स बीईएम में देखने को मिल सकते हैं आपको, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करिए 227 के स्टॉपलॉस के साथ। दूसरा स्टॉक मेरा जो यू नो होटल थिंग्स, जो हमने इसमें भी काफी ज्यादा ट्रैक्शन देखा है ऑफलेट, उसमें इंडियन होटल, तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ पे एक पॉज मिला है, तो मेरे हिसाब से पॉज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक भी अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम प्राइस वाइज यू नो जो ट्रेंड दिख रहा है वो काफी यू नो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से 265 तक के लेवल्स नियर टर्म में इंडियन होटल में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग करिए 240 के स्टॉप लॉस के साथ। और डिफेंस स्पेस में भी जो कॉल्स है उसमें बी है काफी अच्छा दिख रहा है, 250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और डिफेंस काउंटर में हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर भी शानदार रैली बन रही है। सरकार डिफेंस इंपोर्ट पाबंदी से जुड़ी तीसरी लिस्ट जल्द जारी करने की बात की जा रही है, उसके बाद हमने देखा HAL, BEL, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, और इसमें BEL पसंद आ रहा है अजीत को, यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा इंडियन होटल्स भी 265 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।